हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। हमारे यू आर स्टेइंग एट होम सो यू आर स्टेइंग सेफ। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग अपना आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, अब तक हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोग एक्चुअली पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे अरिथमेटिक, सॉरी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है? इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ इट्स वेरिएबल। एक इक्वेशन है, उसमें वेरिएबल्स से आप कुछ भी डाल दो वैल्यूज हो, आंसर हमेशा सेम आएगा। मतलब राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट, कुछ भी वैल्यूज डालो वही आएगा। ठीक है, ये बात इंपॉर्टेंट है। और जो आइडेंटिटीज हम लोग को पढ़ना था, हम लोग को स्क्वेयर्स का पढ़ना था एंड क्यूब का पढ़ना था। स्क्वेयर्स का बाइनोमियल के लिए, मतलब दो वेरिएबल्स के लिए, एंड स्क्वेयर्स का तीन वेरिएबल्स के लिए, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं हम। ये दोनों चॉप चॉप हो गया। आज से अब हम लोग शुरू करेंगे ट्राइनोमियल क्यूब के लिए। और क्यूब के लिए भी हम लोग को बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स के लिए पढ़ना है। तो आज करेंगे हम लोग बाइनोमियल्स के लिए। ठीक है, तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक, सॉरी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी फॉर क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल। और बाइनोमियल मतलब इक्वेशंस इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, तो एक और बात, अब हम लोग ने स्क्वेयर आइडेंटिटी कर लिया है, तो प्लीज आप लोग अगर नहीं देखे उनको अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि अब हम लोग आज क्यूबिक करेंगे, फिर जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, सारा न्यूमेरिकल्स विल बी सेम एज दैट ऑफ स्क्वेयर्स का। सारा प्रोसेस वही है करने का। अगर आपको स्क्वेयर्स का आता है अच्छे से, तो आप क्यूब्स का भी अच्छे से कर पाओगे। इसीलिए प्लीज स्क्वेयर्स का जो न्यूमेरिकल्स है वो अच्छे से देखना। वो बहुत लेंदी है, अराउंड 1 घंटे का वीडियो है, पर इट्स वर्थ वॉचिंग इट। ठीक है, चलिए तो हम लोग आज का शुरू करते हैं। हम लोग को पढ़ अच्छा, एक चीज पहले हम याद करना चाहेंगे आपको। हम लोग को याद है ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो हम लोग को याद रखना ही पड़ेगा, तो पढ़े थे। ठीक है, ओके, फॉर क्यूब के शुरू करते हैं हम लोग। मान लेते हैं पहला वाला ये है ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। क्यूब है, क्या करें हम लोग? डोंट वरी डोंट वरी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं ऐसे, हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर, अरे एक्स इंटू एक्स एक्स सॉरी एक्स इंटू एक्स को लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर, या फिर एक्स स्क्वायर लिखते हैं एक्स इंटू एक्स। सिमिलरली अगर एक्स क्यूब है उसको लिख नहीं सकते हम लोग एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, इसका मतलब इन दोनों साथ में रखते हैं तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। बस लिखने का तरीका अलग है, ये तो सेम चीज है, बस लिखने का तरीका अलग है। और ये तरीका भी लिख सकते हैं, अरे भैया ऐसे काहे लिख रहे हो? हम ऐसे इसलिए लिख रहे हैं कि दो मुझे ए प्लस बी का क्यूब का तो वैल्यू नहीं पता है, पर मुझे इसका तो पता है ना, ए प्लस बी का तो मुझे पता है क्या होता है। होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा? अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको ये ए को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये बी को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लीज ध्यान से मेरे को कैचअप कीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं कि ये ए को ए से मल्टीप्लाई करो तो आएगा ए क्यूब प्लस ए इंटू ए, ए इंटू ए स्क्वायर मतलब क्या हो? ए क्यूब। ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए इंटू ट्वाइस ए बी मतलब 2a² b, ए स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा 2a² b। बहुत बढ़िया, प्लस अब सेम चीज करेंगे हम लोग b के साथ। अब b को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? b इंटू a² b a² अच्छा पहले a लिखते हैं फिर बाद में b लिखते हैं, वो आज बन जाएगा हम लोग का। b इंटू a क्या होगा? b a² विच इज सेम एज a² b। हम a वाला टर्म पहले लिखेंगे, b वाला बाद में लिखेंगे, इसी लगता है अच्छा लगता है। a b इंटू b² ये तो बी क्यूब ही आएगा, एंड बी इंटू 2ab 2ab² प्लस 2ab² हो गया। देखो मिल गया आपको ये भी, बस इसको तो हल्का सा और सॉल्व कर लेते हम लोग। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a क्यूब
बी क्यूब, पहले ए क्यूब का टर्म और बी क्यूब का टर्म साथ लिखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं और कोई लाइक टर्म्स है, ए बी स्क्वायर है मेरे पास, क्या ए बी स्क्वायर और है मेरे पास, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर, देखो एक चीज, जब आपके पास एल्जेब्रिक इक्वेशन है तो वहां पे लाइक टर्म्स कौन सा होता है, दो टर्म जिसका वेरिएबल सेम हो, दो टर्म्स जिसका वेरिएबल्स सेम हो, क्या सेम हो, वेरिएबल्स सेम हो, उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स, एंड सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड या फिर सबट्रैक्ट किया जा सकता है। ये बात को प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि जब भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है उस केस में सिर्फ लाइक टर्म्स को ऐड किया जा सकता है या फिर सबट्रैक्ट किया जा सकता है, और लाइक टर्म्स क्या होते हैं, वो टर्म्स जिसमें जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम है उसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। तो इस केस में इसका लाइक टर्म्स कौन कौन सा है, मतलब ए स्क्वायर बी, देखो ए स्क्वायर बी वेरिएबल कहां पर है, इसमें है, मतलब देखो यहां पे 1 ए स्क्वायर बी, ये 2 ए स्क्वायर बी, कितना हो जाएगा 3 ए बी स्क्वायर, समझ में आया, थैंक यू। एंड सिमिलरली इसका देखा जाए 2 ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी, ये 2 है ये 1 है, कितना हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बी, क्लियर है, बहुत बढ़िया, ओके। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये देखो आप प्लीज नोटिस करो, ये दोनों टर्म में 3 कॉमन है, ये दोनों टर्म में ए भी है ए स्क्वायर बी, ए कॉमन ले रहे हैं और बी भी है, मतलब 3ab ये दोनों टर्म्स में कॉमन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर 3ab फर्स्ट टर्म से चला गया, 3 चला गया, ए चला गया, बी स्क्वायर से बी चला, क्या बचेगा, सिंपली बी बचेगा, एंड सेकेंड टर्म से अगर 3ab चला गया क्या बचेगा, ए बचेगा, ए स्क्वायर था ये हो गया। एज अ रिजल्ट हम लोग को एक आइडेंटिटी मिलता है, ये वाला क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ये हम लोग का इंपॉर्टेंट है, यही हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बस ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एंड ए प्लस बी होल क्यूब क्या है, बस थोड़ा मैच करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तुम लोग बोलते भी नहीं हो यार, बहुत गलत बात है ये, यहाँ पे टू फैक्टर मिस कर देता हम, नोट कर लो आप लोग भी, तो गाली भी दियोगे मेरे को मिस करने के लिए, सॉरी, ए प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो रहेगा ये, पर साथ में यहाँ पर ए प्लस बी भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे याद रखोगे आप, अच्छा ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बढ़िया। तो a प्लस बी होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, नहीं इंटू ए प्लस बी, थैंक यू, ऐसे याद रखोगे, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को फिर से a माइनस बी के लिए जाना है, अब हम लोग को a माइनस बी के लिए इतना करना पड़ेगा, क्या बोल रहे हो भैया, a माइनस बी होल क्यूब के लिए क्या मुझे फिर से इतना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, अरे काहे चिंता करते हो, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यही है ना, अरे डोंट फियर डोंट फियर। देखो अब ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, ठीक है, ओके। अब हम लोग को a माइनस बी चाहिए, ठीक है, आपको चाहिए a माइनस बी का होल क्यूब, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसको लिख दो a इक्वल्स टू a माइनस बी इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसको एक्सपैंड करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखना आ जाएगा। पर मेरे पास एक और ऑप्शन, बेटर ऑप्शन है कि हम इसी इक्वेशन में b के जगह a पुट कर देते ना, सर भैया एक काम करो ना, इसी इक्वेशन में सिंस ये आइडेंटिटी है, अरे आइडेंटिटी ही तो है ये, हाँ सही बोल रहे हो, तो इसी इक्वेशन में क्यों ना हम लोग एक काम करें, बस बी के जगह माइनस बी डाल दें,
अरे वाह क्या बात है, वेरी गुड। तो क्या किया जाएगा, ये एज इफ ये क्या बन गया, ये एज इफ ये हो गया ए प्लस माइनस बी एज इफ, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा, ए का क्यूब प्लस माइनस बी का क्यूब प्लस थ्री इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस इंटू ए प्लस माइनस बी, ठीक है। हमने क्या किया, बस सिंपली b के जगह माइनस b लिख दिया, ठीक है। और आपको प्लीज ये बात तो याद होगा ना, एनी नंबर टू द पावर स्क्वायर इज सेम एज पॉजिटिव ऑफ दैट नंबर, बट एनी नंबर टू द पावर क्यूब इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दैट क्यूब। समझ गया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव अगर क्यूब है मतलब माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन, फिर जब ये प्लस वन एक और माइनस वन से मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव आ जाता है, तो नेगेटिव का स्क्वायर वो नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हो, ये हो जाएगा ए क्यूब, पर ये क्या हो जाएगा माइनस बी का क्यूब है, मतलब माइनस बी क्यूब। समझ में आया, ये आइडेंटिटी इस रिलेशन से है। तो देखो यहाँ पर ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, माइनस थ्री ए बी, और ये हो जाएगा ए माइनस बी। तो अगर आप वो लॉन्ग प्रोसेस से करते हैं जहां पे आप a माइनस बी क्यूब को लिखते हैं, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर उसका आइडेंटिटी ब्रेक करके स्प्लिट करके सॉल्व करते, तो आपको यही आता, क्या आता, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। थैंक यू, सॉरी a माइनस बी। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा कि अगर प्लस है तो सब प्लस है, अगर माइनस को सब ए माइनस बी माइनस थ्री ए बी माइनस ए माइनस बी, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया हो। इसका मतलब ये हुआ, हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास कि आपको याद रखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास, ठीक है, ओके ये हो गया। अच्छा बस एक चीज नोटिस करो, बस एक चीज, नहीं बहुत कुछ, हाँ। आपके पास ये दो इक्वेशन है, आपको ये दोनों इक्वेशन याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन से क्या हम लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन से a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा ये टर्म, और ये टर्म इधर आ जाएगा, मतलब ए प्लस बी का क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। समझ में आया, ये टर्म पॉजिटिव था इधर, मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना था, इसको लात मार के उधर भेज दिया हम लोग, ठीक है, लात नहीं मारेंगे, गलत बात है। सो लोग प्यार से पूछे, भैया मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है, क्या आप प्लीज इधर चले जाएंगे, तो बोलेगा भैया टैक्स लगेगा। ओके आप पॉजिटिव हो, उधर जाकर नेगेटिव बन जाओ, मुझे क्या करना है, जाओ टैक्स क्या है, साइन चेंज कर लिया अपना, वो परफेक्ट। सिमिलरली ये जो इक्वेशन था, यहां से हम निकाल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब, ये टर्म को मुझे सब्जेक्ट बनाना है, ये क्या है। सो हम लोग प्यार से बोलते भैया भैया एक काम करो ना, आप उस साइड जाओ ना, तो बोलेगा मैं क्यों जाऊं, बोलेगा प्लीज चले जाओ, आपको हम पॉजिटिव कर देंगे, बोला ठीक है कर दो, थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, ये टर्म तो इंटू है, इसको फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर है, ठीक है, समझ में आया। ये दोनों रिलेशन हम लोग बाद में यूज करेंगे, ये दोनों रिलेशन हम लोग बाद में फिर से यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए कुछ, अभी हम बस दिखा दिए आपको कि यहां से हम ला सकते हैं, इसको भी यहां से ला सकते हैं, ठीक है, इसको ध्यान, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हम लोग उसको बाद में यहां फिर आएंगे, ठीक है, ये हो गया, ओके। नाउ फाइनली बस एक चीज और बाकी है, बस एक चीज और बाकी है, वो ये है कि आप प्लीज नोटिस करो कि चाहे ये इक्वेशन हो, इसमें क्या क्या वेरिएबल है, ए प्लस बी है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब है एंड ए बी है, तीन वेरिएबल्स है इस इक्वेशन में, ये तीन वेरिएबल्स है। अब अगर इन तीनों वेरिएबल्स में से अगर कोई भी दो वेरिएबल्स दिया जाए तो इन प्रिंसिपल हम लोग तीनों सॉल्व कर सकते हैं, कुछ निकाल सकते हैं। एंड सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या है, ए माइनस बी है, ए क्यूब प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है एंड सिमिलरली ए बी है। तो इन प्रिंसिपल अगर हम लोग को इन तीनों में से अगर कोई भी दो पैरामीटर पता हो तो उसको हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके वो जो थर्ड अननोन पैरामीटर है उसको हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड प्लीज याद रखना कि जो हम लोग सेकेंड स्क्वायर्स का जब बाइनोमियल पढ़े तो उसका न्यूमेरिकल्स के वो बहुत यूजफुल होगा हम लोग को यहाँ से यहाँ आने में। हम यहां से यहां कर सकते हैं, यहां से यहां कर सकते हैं, यहां से यहां कर सकते हैं, अगर मुझे स्क्वायर्स वाला प्रॉपर्टी ठीक से पता हो तो प्लीज उसको अच्छे से कीजिएगा लोग, ठीक है, ओके। एंड फाइनली टू एंड अप एक और चीज हम लोग बोलना चाहेंगे कि सिंस दे आर आइडेंटिटीज एज दे आर आइडेंटिटीज As they are identities, इसका मतलब क्या हुआ? They must be true for all possible values of a and b. अरे होना ही चाहिए भाई, identity हो तुम, तुमको तो होना ही पड़ेगा, कैसे नहीं होगा तुम? Yes. तो a को हम लोग x पकड़ सकते हैं and b को 1 by x, या फिर b को कोई बोलता है x, या फिर आप ये लो, तो फर्क नहीं पड़ता। Such that a b क्या हो जाएगा? X into 1 by x 1. Such that अगर हम इसमें substitute करते हैं, मेरा equation क्या बन जाएगा? X plus 1 by X का whole cube is equals to X का cube plus 1 by X cube plus 3AB, पर AB term तो हो जाएगा into X plus 1 by X। उस केस में यहाँ पे देखिए बस दो ही variable बचा। अब इस equation में असली जो पहले हम यहाँ क्या बन जाएगा, x minus 1 by x का होल क्यूब इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1 by x क्यूब प्लस 3a, सॉरी माइनस 3ab, पर ab टर्म गायब हो जाएगा तो बचेगा सिर्फ a माइनस b। ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी। क्या हो जाएगा कि हमने क्या किया इस एक्सप्रेशन में, बस a की जगह x पुट किया, b की जगह माइनस x पुट किया, तो और ab टर्म कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपको बस ध्यान देना पड़ेगा, देखो इस इक्वेशन में यहाँ पर एक वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल हुआ, ये तीन वेरिएबल हुआ, ये तो सेम है ए प्लस बी ए प्लस बी, और इस इक्वेशन में भी एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, तीन वेरिएबल है, ठीक है। पर जैसे ही हम ए और बी को ऐसे चूज करें ताकि वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मतलब उलट पुलट करना, ये इसका उल्टा है, ये उसका उल्टा है, मतलब कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई करने से वन आए, उस केस में हम लोग देखते हैं कि मेरे पास सिर्फ दो ही वेरिएबल रहता है, एक अगर x plus 1 and ये वाला, and इसमें क्या हो जाएगा, simply x minus y and x cube minus y cube, दो वेरिएबल, मतलब कि अगर मुझे ये पता है तो हम ये निकाल लेंगे, अगर ये पता है तो ये निकाल लेंगे, इन दोनों में से अगर कोई भी मुझे एक पता है तो दूसरा हम इस आइडेंटिटी को यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बात का ध्यान रखिएगा, ये बात का ध्यान रखिएगा लोग, ओके। तो फाइनली हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग का जो टॉपिक था क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल वो यहाँ पे शुरू हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, एक और प्रॉपर एक और इसको एड्रेस करना पड़ेगा हम लोग एक बार और, पर आज के लिए यही करते हैं, ठीक है। टिल देन सी या एंड बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग।